छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों नाल मुठभेड़ दौरान चार सुरक्षा बलों के शहीद होने से सात के जख्मी होने की खबर है। फिल्म पद्मावत के विरोध को देखते हुए गुरुग्राम प्रशासन ने 25 जनवरी को 7 बजे तो क्लब के बार बंद रखने के हुक्म दिए ने। हुक्मों की उलंघन करने वाले खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। विश्व के साबका नंबर एक खिडारी रोजर फेडरर आस्ट्रेलिया ओपन के सैमीफाइनल में पहुंच गए हैं, जिथे उन्होंने मुकाबला 58वें नंबर के खिडारी ह्यून चुंग नाल होगा। राइस मिल के मालक रविंदर पप्पू कोछड़ के कतल मामले में गैंगस्टर हरसिमरनदीप सिंह उर्फ सिम्मा सेखों ते उसके भरा समेत तीन दोषियों को रिमांड खत्म होने तो बाद अज जैतो की अदालत में पेश किया गया, जिथे कि अदालत ने उन्होंने मुड़ तो 5 दिन के पुलिस रिमांड से भेज दिया। बीते दिन मेयर की चोण समय सदन की मीटिंग में गैर हाजिर रहने से नवजोत सिंह सिद्धू समर्थक कौंसलरों को कांग्रेस के जिला प्रधान ने नोटिस भेज के 5 दिन अंदर जवाब मंगया है। कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का एक नाराजगी भरिया पत्र सामने आया है, जिस विच उन्होंने लिखा है कि स्थानक सरकारां दा मंत्री होने के नाते तीन शहर पटियाला जलंधर ते अमृतसर मेयर की चोण संबंधी लगभग पिछले एक महीने तो सरकारी पद्धर से हुए किसी भी विचार वटांदरे विच उन्होंने शामिल नहीं किया गया, ना ही उन्होंने इस संबंधी पार्टी पद्धर से किसी तरह की कोई राय ली गई। भी आम आदमी पार्टी विधायकों के मामले से दिल्ली हाई कोर्ट ने चोण कमिशन नूं अगली तरीक सोमवार तक दिल्ली जिमनी चोण लई कोई भी नोटिफिकेशन जारी ना करन लई कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने चोण कमिशन ते केंद्र कोलों अयोग विधायकों की अर्जी से जवाब मंगया है। पाकिस्तान के अशांत कबायली खुरम एजेंसी ते अफगानिस्तान सरहद नेड़े एक घर से अमरीका ने ड्रोन हमला करके हक्कानी नैटवर्क के एक चोटी के कमांडर समेत तीन आतंकवादियों को ढेर कर दिया। फिल्म पद्मावत के विरोध में प्रदर्शनकारियों वालों वक्त-वक्त थावां ते प्रदर्शन ते साड़ फूक की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने गुड़गांव में वजीरपुर पटौदी रोड नूं जाम करके दिल्ली समेत जयपुर हाईवे नूं भी ब्लॉक किया। इस तों इलावा मथुरा में रेल मार्ग नूं ठप किया गया। चारा घोटाले के तीसरे मामले में लालू प्रसाद यादव को रांची की स्पैशल सीबीआई अदालत वालों 5 साल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में बिहार के साबका मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को भी 5 साल की सजा सुनाई गई है।